हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सबको चैनल। फाइनली दोस्तों, रेडमी के 10 सीरीज का एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन रेडमी 10 लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलते हैं, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, सब कुछ कंफर्म हो गया है, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, रेडमी 10 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, साथ ही इस स्मार्टफोन को मलेशियन मार्केट में भी लॉन्च किया गया है। वहीं इंडिया में ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च किया जाएगा, इस भी काफी सारी न्यूज सामने आ गई है, जो एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से इसके स्पेक्स की। तो इस स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन काफी जबरदस्त बनाया है कंपनी ने। इसके बैक साइड में हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, मैट फिनिश इसमें दिया गया है और बड़ी सी कैमरा हाउसिंग इसमें मिल जाती है। तो यहां पर बजट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन इस स्मार्टफोन का काफी कमाल का देखने को मिलता है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट की, तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में आएगा। वहीं इसमें एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिससे कि मोबाइल की स्क्रीन 45 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज पर कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएगी और इससे बैटरी भी सेव होती है। तो यहां पर डिस्प्ले डिजाइन इस स्मार्टफोन का काफी बढ़िया देखने को मिलता है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इस स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला एक नया प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि है हीलियो G88, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 2 GHz पर ये क्लॉक है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा रहने वाला है, जहां पर आप डेली यूज इसको करो या फिर गेमिंग वगैरह अगर आप इस पर करना चाहते हैं तो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये निकालकर दे देगा। वैसे आप में से जिन लोगों ने मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर को यूज किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सेम ही परफॉर्मेंस हमें निकाल कर देने वाला है। दोनों ही बिल्कुल सेम प्रोसेसर है, दोनों में ही हमें 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिलती है, 2 GHz पर दोनों ही इस प्रोसेसर क्लॉक है। GPU, RAM और स्टोरेज वेरिएंट भी बिल्कुल सेम ही सपोर्ट करता है। तो यहां पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मीडियाटेक ने आखिरकार इस प्रोसेसर को क्यों लॉन्च किया है, जबकि ऑलरेडी मीडियाटेक हीलियो G85 मार्केट में मिल रहा है। तो यहां पर हीलियो G85 को सिर्फ नाम चेंज करके हीलियो G88 रख के लॉन्च कर दिया गया है, बाकी ओवरऑल बिल्कुल सेम ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा Redmi 10 के RAM और स्टोरेज वेरिएंट की बात की जाए, तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 4+64GB, 4+128GB और 6+128GB, जो कि LPDDR4X RAM और eMMC 5.1 वाली स्टोरेज के साथ में आता है। वहीं इंडिया में इस स्मार्टफोन को सिर्फ 2 ही वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 विथ MIUI 12.5 पर रन करेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के सबसे मेन हाईलाइट फीचर यानी कि इसके कैमरा की। तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि कैमरा हाउसिंग आप देख ही रहे हैं कि काफी बड़ी सी देखने को मिलती है, जिससे कि इस स्मार्टफोन का लुक ही चेंज हो गया है। तो इसमें हमें 50 MP का प्राइमरी लेंस मिलने वाला है, जो कि सैमसंग सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है और 2 MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी हाईलाइट फीचर रहने वाला है, जिससे कि आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहां पर 4K वीडियो वगैरह का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता, वहीं इसके फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा ही मिलेगा। तो यहां पर कंपनी को कम से कम इसमें 13 MP का सेल्फी कैमरा तो देना चाहिए था। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको कि आप 18 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। वह साथ ही इसके बॉक्स में हमें 22.5 वॉट का अडैप्टर मिलेगा, जिससे कि आप और डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। वहीं इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए, तो इसमें डुअल 4G हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। जी हां, यहां पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलेगा। 3.5 हेडफोन जैक, USB टाइप सी, FM रेडियो, IR ब्लास्टर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाएंगे। वहीं इसमें एक सबसे बड़ा फीचर मिल जाता है कि इसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि इस बजट में देना काफी बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10,000 के आसपास में और सभी कंपनियों को भी डुअल स्टीरियो स्पीकर तो जरूर से देने चाहिए। नाउ बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की। तो इस स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में $179 यानी कि 13,300 रुपीस में लॉन्च किया गया है। वहीं इसको मलेशियन मार्केट में अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में तो 11,400 रुपीस के करीब आता है। वहीं इंडिया की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन मलेशियन मार्केट के आसपास में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 10,000 के आसपास में हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात हो जाती है। इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, कैमरा वगैरह सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। 10,000 के प्राइस में ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहने वाला है। वहीं इंडिया लॉन्च की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया में भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में इस स्मार्टफोन को ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग शाओमी इस स्मार्टफोन को सितंबर की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक लॉन्च कर सकती है। तो अगर आप इस टाइम पर 10,000 में एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप इस स्मार्टफोन का वेट करो, ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहने वाला है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस स्मार्टफोन में सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा है। और वीडियो चल गई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई और धमाकेदार वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।